नमस्कार। टॉप 10 रिपोर्टर में बड़ा सवाल, कृपालू जी महाराज के भंडारे में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई? 100 मरे या 200? लोगों ने बताया कि उन्होंने 100 लाशें देखी, तो फिर कहां गायब हुई लाशें? क्या प्रशासन कुछ छिपा रहा है? इंडिया टीवी आज करेगा एक एक सच की पड़ताल, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। कृपालू महाराज के भक्तों पर कहर टूटा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कृपालू महाराज के मनगढ़ मंदिर आश्रम में भंडारे के दौरान भगदड़ मच गई। ये भगदड़ भक्तों की मौत लेकर आई। कृपालू महाराज के आश्रम में भगदड़, मनगढ़ मंदिर आश्रम में भगदड़, मंदिर का गेट टूटने से हादसा। कृपालू महाराज के मनगढ़ मंदिर आश्रम में कोहराम मचा है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कुंडा के पास कृपालू महाराज के आश्रम में भंडारे का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि कृपालू महाराज की पत्नी की बरसी थी, लोगों को भोजन कराया जा रहा था, बर्तन कपड़े बांटे जा रहे थे, तभी भक्तों की संख्या ज्यादा होने की वजह से मंदिर का गेट टूट गया। मंदिर के गेट के गिरने से चूंकि काफी भीड़ थी उसमें लोग दब गए। करीब 15-20 लोगों के मरने की सूचना है और 20-25 लोगों को घायल होने की सूचना है। और आज बड़े भंडारे का आयोजन किया गया था, इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि भगदड़ के शिकार कृपालू महाराज के विदेशी भक्त भी हो सकते हैं। हादसे के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पत्नी के श्राद्ध के मौके पर बुलाए गए इस भंडारे के लिए आश्रम में ठीक इंतजाम नहीं थे। अगर इंतजाम ठीक होते तो इतने लोगों को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। प्रतापगढ़ में आलोक के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी। और हम आपको इस वक्त वहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भगदड़ मचने से एक तरफ जहां लोगों की जाने गई, यूपी में प्रतापगढ़ में मनगढ़ में ये भगदड़ मची। इस भंडारे में खाना बांटा जा रहा था, बर्तन बांटे जा रहे थे, कपड़े बांटे जा रहे थे और यहां बड़ी संख्या में लोग जुट चुके थे, लेकिन यहां पर भगदड़ मचने से 63 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 37 बच्चे और 26 महिलाएं हैं। बर्तन और कपड़ों के लालच में ही यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो गए थे और जब वो अंदर परिसर में जाने की कोशिश कर रहे थे तब भगदड़ मच गई। कैसे हुआ अंदर? अंदर गए थे। क्या हुआ अंदर? क्या क्यों भगा दिए? सौ मरे या 200? क्या मंदिर से लाशें गायब हुई? इस सवाल का जवाब इस चश्मदीद के जवाब में है। तो 250 आदमियों की यहाँ पे मतलब मौत हो गई है, 500-600 लोग घायल हैं और इस वाले आंख वाली हॉस्पिटल में लाश रखी हुई थी जो कि दक्षिण वाले गेट से निकाल दी गई। अभी तक पर्दा लगा हुआ था, पर्दा भी नहीं है सर, हटा दिया पर्दा, अब लाश नहीं मिल रही। सुना आपने, ये शख्स कह रहा है कि मरने वालों की संख्या 250 से ज्यादा है, लाशें गायब कर दी गई हैं। लोगों के मुताबिक अब यहां से लाशें गायब कर दी गई हैं। अब दूसरे चश्मदीद की सुनिए। आप समझ लीजिए कि कम से कम 30-40 हजार लोग आपस में तो कुचले गए हैं या मर गए। जो संख्या आपको बताई जा रही है वो संख्या सही नहीं है, 100 के ऊपर लोग मरे हैं यहां पे। इस शख्स के मुताबिक भी मरने वालों की संख्या बताई गई संख्या से कहीं ज्यादा है, तो फिर कहां गई लाशें? भगदड़ की वजह गेट गिरने को बताया जा रहा है। चश्मदीद कहते हैं कि गेट के बगल में बोरवेल था जिसमें ज्यादातर लोग गिर गए। अभी अभी दो और तीन दिन में बना हुआ गेट, वो भरभरा के जब लोड पड़ा उस पर झटका लगा तो टूट के गिर पड़ा सर, उसी वजह से ये हादसा हुआ, उसी में दब गया। कुछ और बोर भी वही के बगल में हुआ था, भगदड़ में लोग कुछ बोर में फंस गए, उसी के ऊपर से आदमी गुजर गए। फिर सवाल उठता है कि आखिर मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है तो फिर लाशें कहां गईं?
इंडिया टीवी से बातचीत में कृपालु महाराज ने कहा है कि उनकी तरफ से कुछ खास लोग भंडारे में आमंत्रित किए गए थे, जबकि चश्मदीद कहते हैं भंडारे में गए गरीब लोगों को बर्तन और कपड़े का लालच देकर बुलाया गया था। मेरी घर पत्नी की वार्षिकी के उपलक्ष्य में हमारे सत्संगियों ने भंडारा किया था। भंडारा हर वर्ष होता है, उस समय निमंत्रित व्यक्तियों के अतिरिक्त बिना बुलाए आसपास के ग्रामवासी आ जाते हैं, तो सदा तो थोड़े से लोग आ जाते हैं और उन्हें हम भोजन वस्त्र आदि से दिलवा देते हैं। जी महाराज, कहा यह जा रहा है कि ट्रस्ट की तरफ से लोगों को बुलाया गया था कि आज गरीब लोगों में खास तौर पर कपड़ा, खाना, बर्तन ये वितरण किया जाएगा, क्या ये बात सही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कोई न गजट हुआ था न ऐसा कोई अखबार निकाला गया था। कुछ लोगों को निमंत्रित किया गया था, लेकिन ये अब बिना बुलाए हजारों आ गए, ये पता नहीं क्या उन्होंने सोचा। और हमारे आश्रम के बाहर रोड के ऊपर ये ढींगा मुट्ठी इन लोगों ने की और इतने कांड हो गए। यहाँ पे इनके यहाँ हो रहा था ये वार्षिकी का समारोह, उसी में गरीब लोगों के लोग आमंत्रित करते हैं। इन लोगों के पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पे बुला करके लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार किए। टैक्स रैकेट से जुड़े इच्छाधारी बाबा को आज 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जयपुर से आए प्रदीप अग्रवाल नामक एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि बाबा ने उसकी बहन को गायब करवा दिया है। प्रदीप का कहना था कि बाबा ने उससे कहा था कि अगर 15 दिन के अंदर उसकी बहन वापस नहीं मिली तो वो बाबा पद छोड़ देंगे। इच्छाधारी बाबा के अगले 5 दिन अब पुलिस के रिमांड में गुजरेंगे, लेकिन बाबा की इच्छा से नहीं बल्कि पुलिस की मर्जी से। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपी बाबा भीमानंद की 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 दिन की रिमांड मंजूर की है। भीमानंद के वकील पुलिस पर फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। There is no truth in the that he is running a very big racket or something. ये हम तभी जा रहे हैं कि क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट करे और सच्चाई पता करे। SHO ने पर्सनल ग्रज के कारण ये सारा फैब्रिकेट किया। उधर इस मामले में आज एक और नया मोड़ सामने आ गया। जिस वक्त दिल्ली पुलिस इच्छाधारी की रिमांड मांग रही थी, ठीक उसी वक्त जयपुर पुलिस भी बाबा की रिमांड के लिए कोर्ट पहुंच गई। दरअसल जयपुर से 23 दिसंबर 2009 को कृपा नाम की एक लड़की गायब हुई थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला है। इस लड़की ने 26 दिसंबर को अपने घर फोन किया था, लेकिन जिस नंबर से फोन किया गया था वो नंबर बाबा की आईडी पर लिखा गया है। अब जयपुर पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए इच्छाधारी को रिमांड पर लेना चाहती है। 23/12 को एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। 29/12 को जो सिम काम में ली गई वो इस बाबा के नाम की थी। इसके अलावा और कोई हमारे पास नहीं है। सिम मिला नहीं, लड़के लड़की मिले नहीं अभी, पूछताछ के लिए आए मैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि बाबा के पास से 5 डायरियां मिली है जिसमें सेक्स रैकेट से जुड़े कई लोगों के नाम शामिल हैं। पुलिस बाबा को पूछताछ के लिए दिल्ली से बाहर भी ले जाएगी। मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। दहेज के लिए बहू की बलि चढ़ाने वाला एक परिवार पड़ोसियों के हत्थे चढ़ गया। ससुराल वालों ने बहू के ऊपर जैसे ही मिट्टी का तेल डाला तो बचाने की गुहार सुनकर पड़ोसी सामने आ गए और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। करीब 1 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा। गुस्साई भीड़ ने चुन चुन कर इस घर के लोगों को पीटा। महिलाओं को बाल पकड़कर घसीटा गया। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सबसे बड़े तमाशे की। और इस ड्रामे की सबसे बड़ी करेक्टर है ये महिला।
इस घर की मालकिन कुल्लानी रानी चटर्जी। रानी बाला पर आरोप है कि उसने अपनी बहू सुमाना को जलाने की कोशिश की। पड़ोसियों को जब इसकी भनक लगी तो पड़ोसियों ने यहां आकर धावा बोल दिया। ये देखिए, सास के बाल खींचकर घुमाया गया। देवरानी को दनादन तमाचे पड़े और ससुर जी ने बीच बचाव करने में ही भलाई समझी, जबकि सुमाना का पति मौका देखकर फरार हो गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए बोतल में नाचती करीना। जानते हैं आखिर करीना ने 17 लोगों को मौत की नींद कैसे सुला दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के आसपास इलाकों में करीना नाम की शराब ने कहर बरपाया है। करीना शराब ने अब तक 17 लोगों की जानें ले ली हैं और अब भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बोतल में मौत बनकर नाच रही करीना का नाम सुनते ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कांपने लगते हैं। मौत की दस्तक दे रही करीना का कहर गाजियाबाद के सिंभावली से लेकर गढ़ मुक्तेश्वर तक बरपा है। पूरे इलाके में मातम और कोहराम मचा है। और यहाँ माहौल जो बहुत मातम के रूप में छाया हुआ है और जो दारू हमारे यहाँ सरेआम बिक रही है, कोई पाबंदी नहीं लगती इस पर। होली के दिन से ही शराब ने कहर ढाना शुरू किया था जो अभी तक थमा नहीं है। सरकारी दुकानों पर करीना ब्रांड की शराब बिकती है। शराब पीते ही लोगों को चक्कर आने शुरू हुए और फिर मौत का सिलसिला चल पड़ा। ये करीना ब्रांड था, उसका भी करीना ब्रांड था और उसमें व्हाइट कलर की बॉटल थी। संभव तो ऐसा हो सकता है कि ये यूज्ड जो बॉटल हो, ये मिथाइल अल्कोहल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, ये इसको रिफिल करके मेरी समझ से उसको उसके माध्यम से बेचा गया है, ऐसा हमारा अभी तक की जानकारी है। लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिस इलाके में करीना ब्रांड की शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उस इलाके की दुकानों को प्रशासन ने सील कर दिया है और पुलिस ने शराब भी जब्त कर दी है। लेकिन प्रशासन ये अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि ये जहरीली शराब आई कहां से। संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। मुंबई के बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक वैज्ञानिक ने खुदकुशी कर ली है। इस महिला वैज्ञानिक की खुदकुशी के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कॉलोनी में रहने वाली टितास पाल ने घर में पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बतौर साइंटिस्ट टितास पाल कोलकाता की रहने वाली थी और वो अकेले रहती थी, जबकि टितास पाल का परिवार कोलकाता में रहता है। बताया जा रहा है कि खुदकुशी से एक दिन पहले महिला वैज्ञानिक कोलकाता से लौटी थी। खुदकुशी करने वाली महिला वैज्ञानिक पारिवारिक तनाव में थी या फिर खुदकुशी की वजह कुछ और है, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, मुंबई। दुल्हनिया ले जाएंगे, अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज मेहंदी की रस्म है, लेकिन राहुल की शादी से उनके चाचा प्रकाश महाजन नाराज हैं। राहुल की शादी के विरोध में भोपाल के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। दो दिन बाद भतीजे की शादी होने वाली है और दो दिन पहले चाचा का अंतिम संस्कार हो रहा है। एक तरफ राहुल महाजन की शादी की तैयारियां चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रवीण महाजन को अंतिम विदाई दी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गम के इस माहौल में राहुल को शादी करनी चाहिए? कम से कम राहुल के परिवार वाले तो नहीं चाहते कि राहुल इस वक्त शादी करें। शादी है, आप जैसे मीडिया से मुझे पता चला, इसके ऊपर परिवार में मेरा क्या स्थान है आपको मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन
मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि परिवार में मुझे उन्होंने पूछा नहीं है। वो एक नौजवान आदमी, 35 साल का नौजवान है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है। इस वक्त राहुल की शादी के खिलाफ चाचा प्रकाश ही नहीं बल्कि भोपाल के लोग भी हैं। भोपाल में आज राहुल के स्वयंवर के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। राहुल महाजन स्वयंवर को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। शादी की तारीख तय थी लेकिन अचानक प्रवीण महाजन की मौत ने सवाल खड़े कर दिए। अब आखिरी फैसला राहुल को करना है कि वो शादी करे या अपने चाचा की बात माने। भोपाल में अनुराग के साथ गौतम सचदेव, इंडिया टीवी। ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। इंडिया टीवी के टॉप 10 रिपोर्टर रोजाना हाजिर होते हैं शाम 4 बजे और 7:30 बजे देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ। देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं इंडिया टीवी की वेबसाइट www.indiatvnews.com पर।